कोर्ट से फाइनल डिसीजन आने के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंच गया, ऐसे में आप क्या कहते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर से इस मत का हूँ कि कृष्ण जन्मभूमि पर बलात् रूप से जो मस्जिद खड़ी की गई है, मुसलमान भाइयों को बड़ा दिल करके, क्योंकि तो भगवान कृष्ण इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं, अगाध हमारी श्रद्धा है और देश के अंदर देश के बाहर लोग उनको पूजनीय मानते हैं, प्रेरणा का पुंज मानते हैं, तो मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूं कि वो अपने को दिल चौड़ा करके और वो जो हिस्सा जो दबा रखा है मस्जिद के रूप में वो हिंदुओं को कृष्ण भगवान कृष्ण को सौंप दें। और दूसरे इस्लाम में ये प्राविधान लिखा हुआ है कि यदि गैर कानूनी तरीके से यदि कहीं मस्जिद बनाई गई है, यदि वहाँ पर इबादत की जाएगी तो खुदा उस इबादत को स्वीकार नहीं करेगा। तो खुदा की बात ही मान लो भाई, खुदा ने जो कहा है उसी को स्वीकार कर लो। तो इसलिए मैं इस मत का हूँ कि वहाँ पर जो मस्जिद है वो हटनी चाहिए। कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट फैसला करे और मैं इसके लिए कृष्ण जन्मभूमि पर क्या नाम है जो जो पुण्य का काम है, ईश्वरीय काम है, श्रेष्ठ काम है, मेरा पूरी तरीके से प्रतिबद्धता है, पूरी तरीके से मैं उसके लिए उस काम के लिए का समर्पित।